नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस निरंतर सजग होकर काम करती है। बावजूद इसके हाल के दिनों में अगर हम गौर करें तो पलामू और लातेहार जिले में बढ़ रही लूट की घटनाएं पुलिस के लिए चिंता का विषय था और लुटेरों को पकड़ना चुनौती भी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में भी लिया और जल्द ही न सिर्फ मामले का खुलासा हुआ बल्कि कई बड़े अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आए। पलामू और लातेहार से 3 अलग अलग लूट की घटना हाल के दिनों में घटी थी। तीनों ही मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहली खबर पलामू जिले से है, जहां पलामू पुलिस ने लूट के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ऐसे इंटर स्टेट गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो नेशनल हाईवे पर शराब माफियाओं के लिए वाहन लूटने का काम करते थे। ये गिरोह झारखंड के इलाके में खास वाहनों को लूटकर बिहार के शराब माफियाओं को बेचते थे। गिरोह में शामिल सभी सदस्य बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज और रोहतास के रहने वाले हैं। इनमें प्रकाश कुमार उर्फ छोटू, पंकज सिंह, गौतम सिंह, अंकित सिंह, सोनू कुमार, सत्यम सिंह, शुभम कुमार, अशोक कुमार सिंह और भोला पासवान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि 30 जुलाई और 10 अगस्त को छतरपुर थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की लूट हुई थी, जिसके बाद पलामू के एसपी चंदन सिन्हा ने इस लूट का के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसमें छतरपुर इंस्पेक्टर वीर सिंह मुंडा और थाना प्रभारी शेखर कुमार भी शामिल थे। लुटेरों के पास से लूट के 3 पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार लुटेरों ने पलामू पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिससे पुलिस को और कई अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। एसपी ने बताया कि इस तरह के गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। महत्वपूर्ण आपराधिक घटना घटी 30 जुलाई की रात में, जिसमें एक पिकअप वैन को लूटा गया। शुरू में उसे बताया गया कि हम लोग जो है फाइनेंसर हैं और गाड़ी क्लोज करने आए हैं, और इस बातचीत को उलझा के उसको कब्जे में लेकर वह पिकअप वैन लूट लिया गया। दोबारा फिर घटने की पुनरावृत्ति जो है वह 10 अगस्त को हुई, जो पिपरा थाना क्षेत्र में हुई, लेकिन वह भी NH पर था। उसमें भी पिकअप वैन सेम अपराध शैली से लूटा गया। ये हमारे लिए चुनौती थी और बाद में इसमें शामिल सारे क्रिमिनल बिहार के थे, जिनसे 9 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और एक और महत्वपूर्ण अभियुक्त है जो गिरफ्तार है। और उसी गिरफ्तारी के बाद जो दोनों पिकअप वैन लूटा गया था उसकी बरामदगी भी हो गई है और कांड बिल्कुल जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो। ये वाहनों। दूसरी खबर लातेहार से है, जहां महज 12 घंटे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिल्लू लोहरा और थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह के प्रयास से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में लूटे गए मोबाइल और मोटरसाइकिल और पैसे भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले में SDPO दिल्लू लोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शातिर लुटेरे राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे और जो भी उनके पास मिलता था वो लूट लेते थे। पुलिस को इनकी तलाश काफी समय से थी। कुछ रोज पहले भी बरवाड़ी में लंका खड़िया से बांस ले जाने वाले रास्ते पर कोयल नदी पुल के समीप मोबाइल फोन और पैसे की लूटपाट की शिकायत मिली थी। इसके बाद टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों में रविंद्र राम, पप्पू कुमार और अनु कुमार का नाम शामिल है। सभी महज 19 से 20 साल के युवा लड़के हैं। तीनों अपराध कर्मियों को ग्राम लंका से लूटे गए 5 मोबाइल सहित 700 रुपया के साथ गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। उपरोक्त अपराधकर्मी बरवाड़ी से मंडल जाने वाले रोड में भी लूटपाट करने का प्रयास किए थे और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए थे। तीसरी बड़ी सफलता भी पलामू पुलिस की है, जहां एक CSP सेंटर से दिनदहाड़े हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले का भी उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लुटेरे उटारी में भी एक जेवर दुकान को लूटने की योजना बना रहे थे। इसके पहले ही सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बता दें कि 16 अगस्त को जिले के रेहला स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से 75,000 रुपये के हथियार के बल पर दिनदहाड़े लूट की घटना हुई थी। इस घटना का CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। घटना के बाद विश्रामपुर SDPO सुरजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद सबसे पहले हथियार के साथ अपराधी राहुल कुमार को दबोचा गया। इसकी निशानदेही पर 3 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में पवन शर्मा, संजय कुमार चौधरी उर्फ शशि चौधरी और रवि पासवान उर्फ रविंद्र पासवान तीनों गढ़वा जिले के रहने वाले हैं, जबकि राहुल कुमार पलामू के नावाजयपुर निवासी है।
पुलिस ने इनके पास से नगद, 2 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि पवन शर्मा इस लूटकांड का मास्टरमाइंड था, इसी ने अपने सहयोगियों को वाहन और हथियार उपलब्ध कराया था। इस मामले के उद्भेदन में पुलिस इंस्पेक्टर राजबल्लभ पासवान, रेहला थाना प्रभारी निमधारी रजक समेत अन्य जवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 16 अगस्त को रेहला के एक CSP सेंट्रल मिनी बैंक उनका वार्ड में, वहाँ पर 75,000 रुपये की लूट हुई थी और शुरू में उसमें कोई सूत्र नहीं था, लेकिन बड़ी मेहनत करके रेहला थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर ने DSP के नेतृत्व में कांड का उद्भेदन किया और उद्भेदन करके उन चारों संलिप्त अपराधी को गिरफ्तार किया। उनका 2 अवैध अग्नियास्त्र भी बरामद हुआ है, उन लोगों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की है और जो साक्ष्य उनके खिलाफ इकट्ठे किए गए हैं।